हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पार्ट टू देखेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे पड़ा, छत्तीसगढ़ को पूर्व इतिहास में किस नाम से जाना जाता था, सीमाएं और भौगोलिक इतिहास के बारे में जानेंगे। मैं जो हिस्ट्री बताऊँगा वो आपको लोकल पब्लिकेशन जैसे कि हरी राम पटेल और बहुत सी किताबें हैं लोकल पब्लिकेशन की जिसमें नहीं मिलेंगी, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ की किताबें मिल जाएगी। यदि आपको डिटेल्स में छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ना है तो आप जो है छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक खरीद सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप यही परचेस करें, क्योंकि हरिराम पटेल जो है शॉर्ट नोट्स है और यदि आपके पास जो है समय कम है तब आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन हरिराम में डिटेल्स में नहीं मिलेगा और ना ही व्यापम दावा आपत्ति डालने के लिए लोकल पब्लिकेशन की बुक को स्पेसिफिक सोर्स के रूप में मानता है। जैसे कि 2020 में PSC का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के व्यंजन से एक क्वेश्चन आया था, देहरौरी जो है किस पर्व में मनाया जाता है। ठीक है, आप ऑप्शन में जो है आपको पितृपक्ष था, दीपावली था, होली था, लेकिन व्यापम द्वारा जो है पितृपक्ष को नहीं लिया गया था, व्यापम द्वारा जो है दीपावली होली को कुछ ले लिया गया था। ठीक है, और सब लोग इस बुक को पढ़ के गए थे और ये यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन सीधा उसका गलत हो गया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक गलत है, लेकिन यदि आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बुक को जो है परचेस कीजिए। ये शॉर्ट्स नोट्स के रूप में हरिराम जो है निकालता है अपनी बुक। तो सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण के बारे में समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन में नाम क्या था। ठीक है, और प्राचीन में इतिहासकारों के बीच में बहुत ही मतभेद रहा है छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम को लेकर। तो सबसे पहले जो है दक्षिण कोसल के बारे में समझते हैं। दक्षिण कोसल के बारे में पढ़ चुके होंगे कि पहले जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला जाता था। ठीक है, लेकिन सिर्फ दक्षिण कोसल ही ऐसा नाम है जो प्रामाणिकता के तौर पे लिखित शब्द के रूप में मिला है। बाकी बहुत सारे नाम है, महाकोसल है, अधिष्ठी है, चेदिसगढ़ भी कहा जाता था, ऐसा जो है इतिहासकारों का मानना है, लेकिन उन सबको जो है खंडित कर दिया गया था क्योंकि कुछ सोर्स ही नहीं मिला उसके लिए। तो दोस्तों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का जो है दक्षिण कोसल नाम पढ़ना, ये पुराणों और महाकाव्यों के आधार पर तीन जगह से हमको प्राप्त होते हैं लिखित में। ठीक है, पहला रामायण है, महाभारत है, और तीसरा जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, कोसल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा कुसल से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मुदित अथवा प्रसन्नता। बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार क्षेत्र के उत्खनन से मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर गामस कोसली ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। कोसल या कोसली नाम का गांव मल्हार से 16 किलोमीटर दूरी पर भी स्थित है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम की माता इसी ग्राम से थी। कोसल की बेटी थी इसलिए कौशल्या कहलाई थी। और रामायण में दो कोसल का उल्लेख हुआ है, एक तो राजा दशरथ थे और दूसरे जो है भानुमंत। इसी भानुमंत की पुत्री जो है कौशल्या थी, श्री राम जी के माता जी। और दक्षिण कोसल का उसका राज्य ही वर्तमान काल में छत्तीसगढ़ कहलाता है। उसी प्रकार महाभारत में भी जो है सभा पर्व में भी कोसल का वर्णन मिलता है। तीसरा जो है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने बात की, वहाँ पे जो है ये उल्लेख मिलता है कि जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का जो शासक था, वो एक बार अपनी विजय अभियान में जो है छत्तीसगढ़ में भी, यानी कि उस समय जो है दक्षिण कोसल नाम था, तो दक्षिण कोसल में जो है आक्रमण किया था और दक्षिण कोसल के महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को जो है पराजित कर दिया था। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे शासन नहीं किया, जीतने के बावजूद भी उनको छोड़ दिया गया, वो सिर्फ विजय अभियान में निकले थे। तो छत्तीसगढ़ का जो है प्राचीन नाम दक्षिण कोसल यही एक नाम है जो प्रमाणित रूप से जो है लिखित रूप में है। दूसरा जो है महाकोसल। ठीक है, तो डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र थे, उनके अनुसार क्या होता है, दंडकारण्य यह इलाका दक्षिण कौशल कहलाता था। इसका महाकौशल नाम कब से और क्यों पड़ा इसकी कोई प्रमुख जानकारी नहीं मिलती है, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा जी ने यह कहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक तर्क भी रखी थी कि हो सकता है कि कार्तिवीर या सहस्त्रार्जुन के वंशज चैदी हयो ने, जिनका कि इस ओर लगभग 1500 वर्षों तक राज्य था, इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए कोसल को जो है महाकोसल कहना प्रारंभ कर दिया, उसी तरह जैसे नदी का नाम जो है महानदी हो गया। लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है इसलिए इसको खंडित कर दिया गया। एक और पुरातत्वेत्ता है, एक कनिंगम ने इस अंचल के लिए महाकोसल या छत्तीसगढ़ लिखा है। ठीक है,
तीसरी जो है अधिष्ठी, ये जो है प्रसिद्ध शास्त्री टॉलमी ने जो है लिखा है कि टॉलमी के अनुसार जो है इस अंचल को अधिष्ठी कहा जाता था। अधिष्ठान पर्वतमाला इसके दक्षिण में होने के कारण यह अंचल अधिष्ठी कहलाया। चौथा जो नाम है छत्तीसगढ़ है, वो राय बहादुर हीरा लाल के अनुसार है, ठीक है। राय बहादुर हीरा लाल ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का परिवर्तित रूप माना। यह अंचल लंबे समय तक चेदी वंश के शासकों द्वारा शासित रहा, अतः उनके वंश के नाम पर इस अंचल का नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा और छत्तीसगढ़ कालांतर में जो है छत्तीसगढ़ हो गया। ये जो है राय बहादुर हीरा लाल का कहना था, लेकिन ये भी जो है स्वीकार नहीं किया गया। पांचवा जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का अभ्युदय। तो श्री जी वी वेंगलर ने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का बना ऐसा मत व्यक्त किया। बिहार प्रांत में सुनी की वंदिति के अनुसार जरासंघ के काल में 36 चमार कुल बिहार छोड़कर दूर दक्षिण में जा बसे और दूर दक्षिण अंचल छत्तीसगढ़ ही था। चमारों के छत्तीसगढ़ होने के कारण इस अंचल का नाम छत्तीसगढ़ कहलाया और कालांतर में छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। यह जो है जे वी वेंगलर ने कहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ के तर्क का खंडन करते हुए डॉक्टर भालचंद्र राव, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा और पी एन बोस ने इसे स्वीकार कर दिया और इन्होंने कहा कि यह बात विचारनी है कि प्रचलित शब्द छत्तीसगढ़ है न कि छत्तीसगढ़। इस शब्द के अत्यंत ध्वनि उक्षिप्त र है न कि र। छत्तीसगढ़ के चमार वर्ग के कुटुंबों में जो नाम प्रचलित हैं उनमें कनौजिए व जायसवाल की संख्या अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज व जायज के निवासी थे। और पी एन बोस ने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ संबंधी प्रकरण पर एक बड़ा लेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका भी लिखा है, जिसमें उन्होंने तथ्यात्मक प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ कहलाने संबंधी मतानुयायियों के तर्क को अस्वीकार कर दिया। अब वो तर्क जानते हैं जिस पर जो है ज्यादा से ज्यादा इतिहासकार लोगों ने जो है एक मत दिया छत्तीसगढ़ नाम होने का, ठीक है। जो है छत्तीसगढ़ों से छत्तीसगढ़ का नाम का प्रादुर्भाव, रतनपुर राजा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 किले और रायपुर राजा के अधिकार में क्षेत्रों में आने वाले 18 किलों को मिलाकर कुल छत्तीसगढ़ थे। इन छत्तीसगढ़ों के कारण ही इस अंचल को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। ये किसने कहा था और याद नाम रखे गया, डॉक्टर शंकर शेष ने कहा था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पीएससी के एग्जाम में, ठीक है। डॉक्टर शंकर शेष ने जो है ये तर्क दिया था कि उत्तर और दक्षिण में जो है 18 किले हैं, तो कुल 36 गढ़ों को मिलाकर जो है इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा था। अंग्रेजी यात्री कैप्टन ब्लंट ने अपने यात्रा वृतांत में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ लिखा है। एक और प्रमाण मिलता है कैप्टन ब्लंट के द्वारा, ठीक है। और ये कैप्टन ब्लंट कब आए थे, ये जो है जब सूबेदार पद्धति स्टार्ट हो गया था भोसला वंश का, हमने पिछले वीडियो में देखा था जो वेंकोजी भोसले हैं बिंबजी के बाद जिन्होंने शासन किया नागपुर से, तो उन्होंने सूबा शासन लगाया था। तो पहला सूबा बनाया था महिपत राव दिनकर को और दूसरा जो बनाया था विठ्ठल राव दिनकर को। विठ्ठल राव दिनकर के समय में जो है अंग्रेजी यात्री कैप्टन ब्लंट जो है छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ लिखा है। यह जो टोटल 36 किले थे उसको शिवनाथ नदी जो है दो भागों में बांट देती है बीचों बीच, ठीक है। एक तो शिवनाथ नदी के दक्षिण में और उत्तर में 18 किले हैं। शिवनाथ नदी के दक्षिण में कौन कौन से गढ़ थे, रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगापुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मोदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुरमाल, टेंगनागढ़ और अकलवाड़ा। और शिवनाथ नदी के उत्तर में जो 18 गढ़ थे वो थे रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ी, ओखर, पंडरभटा, सेमरिया, मदनपुर, चापा, कोसगाई, लाफा, गेंदा, मातिन, उपरोड़ा, कंड्री और करकट्टी। ये टोटल जो है 36 गढ़ थे उस समय जिन्हें के नाम पर जो है छत्तीसगढ़ नाम पड़ा दक्षिण कोसल का। और इन गढ़ों को जो है किसने बनवाया था, तो इसको कल्याण साय ने बनवाया था, ठीक है, कलचुरी वंश। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा के बारे में कि
जो पुराना इतिहास है, अभी का तो हमको पता है कि मध्य प्रदेश से जो है अलग होकर जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद की भौगोलिक स्थिति और सीमा हमको पता है, वो जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तब उसको बताया जाएगा। अभी जो है हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, पहले के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो है सीमा का, छत्तीसगढ़ सीमा का जो है उल्लेख कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है दोस्तों। सिर्फ यदि लिखित प्रमाण मिलता है तो यही है चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, इन्होंने जो लिखा है यहाँ के बारे में थोड़ा। तो ये कौन थे चीनी यात्री हेनसांग? इन्होंने जो है भारतवर्षों का दौरा किया था, वे दक्षिण कौशल भी आए थे, सिरपुर में आए थे यहाँ पे, और सीमा विस्तार के बारे में अपना पहला प्रामाणिक विवरण इन्हीं से ज्ञात होता है। उन्होंने अपनी यात्रा में लिखा कि वे कलिंग की राजधानी से उत्तर पश्चिम चलकर कौशल ओस्लो पहुंचा। ओस्लो जो कौशल को उसने जो है अपनी भाषा में, चीनी भाषा में ओस्लो लिखा है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्या लिखा है? ओस्लो लिखा है, और इस राज्य की सीमा को जो है 1000 मील से अधिक के घेरे में स्थित बताया था। यही जो है एकमात्र जो है लिखित साक्ष्य है पहले के इतिहास में जो है सीमा के बारे में। दूसरा जो है कनिंघम ने लिखा है, कनिंघम ने जो है दक्षिण कौशल के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा नदी के उद्गम तथा अमरकंटक के दक्षिण में कांकेर के निकट महानदी के उद्गम तथा पश्चिम में जंक व हसदो तक का क्षेत्र सम्मिलित था, सिर्फ यही कहा है उसने, ठीक है। लेकिन इससे जो है कोई स्पेसिफिक जो है सीमा पता नहीं चलती है, तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं है प्राचीन इतिहास में। सिर्फ चीनी यात्री हेनसांग का जो यात्रा वृतांत था उन्होंने वर्णन किया है उसको छोड़ के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसकी सीमा और भौगोलिक स्थिति को जो है आधुनिक इतिहास जब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, उस समय अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरी द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।